हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो करने जा रहे हैं अपनी व्लॉग की शुरुआत। तो सुबह क्या बज गया है, करीबन 9:30। हम यहाँ पे फ्रेश फ्रेश हो गए, यहाँ पे जो कपड़े वपड़े थे ना वो तो चेंज कर लिए, नहाया भी धोया भी, तो बहुत ही मजा आ रहा है। अभी सुबह का टाइम है ना, बहुत ही मजा आ रहा है। तो चलो निकलेंगे यहाँ से प्रीतमपुर की तरफ, मतलब प्रीतमपुर इंदौर में हमें अनलोड करना है, तो वहीं से जाएंगे हम। वो जो तीसरी गाड़ी है ना वो तो आगे निकल गई, उसको तो दूसरी जगह लोड करना अनलोड करना था, वो तो पहुंच गई होगी, वहाँ पे अनलोड भी हो चुका होगा उसका। तो चलो हम निकलते हैं यहाँ से अभी, तो जाएंगे अनलोड करने की। मैं चलूँगा इस गाड़ी में और भाया ये लेके आएगा। चलो जी, ओ चलो उतरा आप नीचे, वो आप उसमें चढ़ो। बस हम तो निकल गए यहाँ से, चलेंगे आगे। करीबन 150 किलोमीटर यहाँ से है इंदौर तक अभी, जहाँ पे हमें अनलोड करना है। देखेंगे आगे आगे क्या सीन रहेगा। तो जैसे कि आपको पता है, कल से मैंने परसों से लगभग शूट नहीं किया, वीडियो नहीं कोई अपलोड किया, क्योंकि मेरा मोबाइल जो था ना वो तो ख़राब हो चुका था। अब इसको थोड़ा सा ठीक करवा के लाए, मतलब ये फिर भी अच्छी तरीके से नहीं वर्क कर रहा है, फिर भी अपनी कोशिश जारी रहेगी, क्या करेंगे यार। अभी आप देख सकते हो मतलब कैमरा की क्वालिटी वो भी खराब हो गई है। चलो बढ़ते हैं आगे आगे अपनी गाड़ी में। और सुना रमेश भाई, कुछ खास मत है? बस बस शुक्र शुक्र। तो चल ही रहे कंटिन्यू, अभी बज गए दिन के 11। ये आप देख सकते हो आगे धूप भी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो अपनी दूसरी गाड़ी जो है चिनार वाली वो तो आगे चल रही है अपनी वाली, और हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं कंटिन्यू। बस कुछ रील्स बनाए थे इंस्टाग्राम के लिए, आप जाके जरूर फॉलो करना, जाके जरूर देखना राजा वसीम व्लॉग पे। तो अपनी ड्राइव तो कंटिन्यू है, अभी पहुँच गए रतलम इंदौर साइड में जो पतला है पड़ता है। तो चल ही रहे कंटिन्यू, बाहर का थोड़ा सा व्यू और अपनी गाड़ी का व्यू तो आपको पता ही है इस गाड़ी का, देखो जी इस बाइक को ओवरटेकिंग करती हुई जाएंगे अभी यहाँ से, थोड़ा सा व्यू आपको भी दिखाएंगे भाई। थोड़ी सी हॉर्न बजा, हॉर्न आगे से ये रुक गए ना, देख गलत तरीके से ये रुक गए यहाँ पे। चलो करेंगे अपना सफर कंटिन्यू, अभी कम से कम 100 किलोमीटर है यहाँ से, 100 किलोमीटर से ज्यादा, पर हमें बराबर इंदौर तक नहीं जाना, उससे पहले ही कम से कम 20 किलोमीटर हमें अनलोड करना है। चलेंगे कंटिन्यू यहाँ से, देखेंगे कब तक पहुंचेंगे। और पिछले वीडियो के लिए सॉरी, क्योंकि मैंने तो वीडियो उठाया था दूसरे के फ़ोन से, मतलब फ्रेंड के फ़ोन से, पर वो फिर एडिट वेडिट कुछ भी नहीं हुए, वो ऐसे ही पड़े हैं। देखेंगे अगर वो एडिट हो जाएंगे तो मैं उनको अपलोड करूंगा ज़रूर, फिलहाल उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान है, क्या करें मोबाइल की वजह से बहुत ही परेशान है। अपनी गाड़ी को ओवरटेकिंग करते हुए जा रहे हैं हम सीधा, बाय 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 बाय, आप रहो पीछे, अब हम चलेंगे आगे। आप देख ही सकते हैं मेरा जो मोबाइल है ना इसमें थोड़ी सी कैमरा की प्रॉब्लम है, मतलब कितना ब्लर आ रहा है ये प्रॉब्लम है कैमरा की, अब ये नहीं चले, ऊपर से हीट भी बहुत हो रहा है और हैंग भी हो रहा है काफी ज्यादा, ये तो आप इसको हैंग नहीं पड़ेगा, क्या करें, बस ये चक्कर निकल जाए ना फिर देखेंगे आगे का क्या करेंगे। तो यहाँ से हमने तो टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया, अब यहाँ से आएगा एक बोर्ड वो आ रहा है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम कहाँ पे है अभी।
देखो देखो थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा। इंदौर 120, लिबत है 79 और टोल गेट देख लिया ना। चलो चलते हैं यहाँ से आगे। आ गए और एक टोल प्लाजा, तो ये क्रॉस करेंगे, वहां से आ रहा है ना वो बोर्ड, वो मैं आपको दिखाऊंगा आप कितना रह गए इंदौर तक। बस 80 किलोमीटर है यहाँ से इंदौर, हमें 80 तो नहीं जाना है, खाली लगभग 50-60 किलोमीटर तक जाना होगा। जाने दो, और दूसरी गाड़ी वो तो पीछे रह गई है, हम तो स्लो ही चल रहे थे, पता नहीं वो क्यों पीछे रह जाता है। हम खाली 50-60 मतलब ये BS6 गाड़ी है ना, इसको 50-60 की स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है। ये देखो बोर्ड, इंदौर तक है 82 किलोमीटर, इसने खाली ये 50-60 की स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है, वरना गियर चेंज करना पड़ता है मतलब चढ़ाइयों पे। हमने यही स्पीड मेंटेन करके रख दी, पता नहीं वो कहाँ बैठ गए पीछे ही। देखो मेरा फोन, देखो देखो टूटा हुआ है ना पीछे से, ये फुल टूटा हुआ है इधर से, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, देखो सब खराब पड़ा है और आगे से भी खराब पड़ा है, आप कैसे दिखाऊंगे वो सामने से। देखो और एक बोर्ड आ गए ना, हाँ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा ताकि आपको इससे भी पता चल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ पहुंचने वाले हैं। ये देखो मानपुर, पिथमपुर 63 और ये रहा। चलो 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 कंटिन्यू, रास्ता बिल्कुल ही अच्छा है, कहीं कहीं भी अच्छा है और कहीं भी खराब भी है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ भी आना जावा करते हैं। ओ अच्छा, सुखा के वो सप्लाई करते हैं ना। रोड काफी बढ़िया है इधर से भी, राजस्थान साइड से भी, जब राजस्थान से होके आप आओगे यहाँ पे भी मतलब ज्यादा खराब रोड है और सिंगल रोड भी है बहुत ज्यादा, और जब वहां से आओगे ना ग्वालियर आगरा की से, तो वहां से अच्छा रोड है, बिल्कुल अच्छा हाईवे है, हाईवे। यहाँ पे शीशा कांच देखो कहाँ पड़ा है, तोड़ दिया है किसी गाड़ी वाले ने। बाकी यहाँ से खेत ही खेत नजर आएंगे आपको। ओ चलते रहना है चलते, 12 तो बज गए अभी, पता है नहीं कितना टाइम और लगेगा। हमारी जो दूसरी गाड़ी वो स्लो ही चल रही है, उसकी वजह से टाइम लग रहा है ज्यादा, वरना हम तो चले जाते अभी आगे। तो बस यहाँ पे रुका दी दावे पे साइड में गाड़ी, हम उनका वेट कर रहे हैं, जो पीछे है ना गाड़ी उनका वेट कर रहे हैं। वो हमने सोचा यहाँ पे तब तक फिल्टर का भी काम करेंगे, फिल्टर को थोड़ी सी हवा देंगे, फिल्टर को हवा भी देंगे और फिर वो तब तक आ जाएंगे और निकलेंगे यहाँ से आगे। ये देखो आई वो वाली गाड़ी भी अपनी गाड़ी और ये रही ये वाली, इनको दोनों को फिल्टर साफ कराएंगे। फाइनली हम पहुंच गए इंदौर जहाँ पे हमें अनलोडिंग कर रहा था, वहाँ पे तो लगा दी अपनी गाड़ी पार्किंग के लिए। अब आए हैं यहाँ पे बाजार में थोड़ा सा घूमने, उनको तो हमने बोला कि हमें बाइक दे दो ताकि ऊपर से गर्मी ज़्यादा है ना उसके वजह से बाइक चाहिए थी, बाइक तो दे दी, ये रही अपनी बाइक। अब इसी पे आए बाजार थोड़ा सा घूमने के लिए, इधर घूमेंगे फिर जाएंगे वापस अपनी गाड़ी पे, फिर देखेंगे अनलोडिंग का क्या हाल रहेगा। तो बस आ गए थे वापस बाजार से भी और खड़े हैं यहीं पे जहाँ पे हमें अनलोडिंग करनी है ना, ये रही अपनी गाड़ी, यहीं पे हमें अनलोड करना है। तो जो दूसरी गाड़ी है ना लेबर वाली वहाँ पे ही गए हैं उतारने के लिए, वो गाड़ी पहले वो गाड़ी अनलोड हो जाएगी फिर हमारी। अब पता नहीं वो कब तक आ जाएंगे, अभी बज गए शाम के 5 तो बहुत लेट भी हो गया, सोच रहे हैं वो जल्दी आएंगे और निकलेंगे हम यहाँ से डायरेक्ट सौदा के लिए। तो बस उनका भी वेट कर रहे हैं, थक गए यार उनका वेट करते करते, आज दिन तो यहीं पे गुजार लिया, यहीं पे नहीं मतलब आज लगभग 2 बजे से हम यहीं पे बैठे हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो गाड़ी भी शायद अनलोड हो गई है, अब बस इसका नंबर लग जाएगा और अनलोडिंग हो जाएगी, फिर तो मज़ा ही निकलेंगे यहाँ से सौदा के लिए, तो सीधा जाएंगे सौदा। तो बाकी यहाँ पे इस तरह का कुछ व्यू है जहाँ पे हमें अनलोडिंग करनी है, इसी गोदाम में ये रहे गोदाम, तो इसी में हम अनलोडिंग करनी है। ये गाड़ी अपनी खड़ी इधर ही, तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे और अपना भाई नासिर उधर ही गाड़ी में, वो कर रहे हैं मज़े, मैं भी इधर हूँ। तो चलो देखते हैं क्या हाल रहेगा, क्या सीन रहेगा आगे,
फिलहाल तो वेट कर रही हूँ उन्हीं का, देखते हैं कब तक आ जाएंगे वो। तो बस 6:30 तो बज गया, अपनी अनलोडिंग हो गई। चलो वो फटे वटे डाला हो तो हमने खोल दिया, अनलोडिंग तो हो गई। अब चलो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा ओवर अनलोडिंग करने में। आप जो क्लिप आप देखो वो कल शाम की जब हमने लोड किया था। तो राजा भाई ने वापस घुमा दिया गाड़ी क्योंकि कांडे में कुछ फर्क हो गया। हाँ राजा भाई, गर्मी तो नहीं थी अंदर? गर्मी तो नहीं थी अंदर? दोबारा कांडा करना है? चलो ये रही हमारी गाड़ी, तो दोबारा कांडा करना पड़ेगा। ये देखो हमारी गाड़ी, दोबारा कांडा करना पड़ेगा क्योंकि कांटे में फर्क आ रहा है, इसलिए दोबारा राजा भाई कांटा करेगा, फिर हम बाहर ले जाएंगे गाड़ी। ये देखा फैक्ट्री का व्यू, बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड है, चित्तौड़गढ़ में ये फैक्ट्री है। ये देखो, तो जी ये आ गया राजा भाई अपना, ये गया था अंदर लोड करने के लिए 2 बजे, तो अभी पहुंचा वापस। ये यहाँ फैक्ट्री में अलाउड एक ही बंदा होता है, और मैंने राजा भाई को बोला राजा भाई आप ही जाओ अंदर, मुझे बाहर कुछ काम था इसलिए मैंने राजा भाई को अंदर भेजा है। बस आ गया अपना राजा भाई बाहर, आप बाहर इंतज़ार करेंगे, तब तक कंपनी पे बिल बनाएंगे, फिर निकलेंगे इंदौर की तरफ। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता जाएगा। चलो जी, तो आ गया राजा भाई बस गेट के बाहर, बस अभी वर्दी वर्दी उतारेगा राजा भाई तो मैं लेके जाऊंगा वो इधर ऑफिस में, तब तक बिल बिल बनेगी तो राजा भाई इंतज़ार करेगा बाहर ही। अनलोड करके तो निकल गए यहाँ से, आप देखेंगे साउदा की तरफ फिलहाल चल रहे हैं, देखेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे। अपने पिलर में थोड़ी सी चेंज आ गई, चेंज क्या आ गए, हमने सोचा था हम जाएंगे सीधा यहाँ से साउदा, पर चेंज ऐसे आई कि हम अब चेंज कर रहे हैं कि हम अब यहाँ पे ही रुकेंगे रात को और सुबह निकलेंगे यहाँ से आराम से, क्योंकि कल तो लोड नहीं हो जाएगा, अब परसों ही हो जाएगा लोड। बस यहाँ पे रुका दी गाड़ी साइड में और वो रही गाड़ी, और यहाँ पे कर लिया हमने डिनर, अब हम सोएंगे यहीं पे। और वो आई दूसरी गाड़ी, वो तीसरी गाड़ी, अब तीसरा भाई आने वाला है, मिलाएंगे आपको सुबह इनसे भी। अब हम यहाँ से इकट्ठे जाएंगे इनके साथ ही, ये भी खा रहे हैं अभी, करेंगे रहे डिनर। तो चलो हम चलते हैं सोने के लिए, सोएंगे यहीं पे रात को। आपको भी गुड नाइट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके जाना, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।